कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा नेता नीतीश रानी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का असली चेहरा है। भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र में धर्म में विवाद हो। देखो, ये बीजेपी की असली सूरत है। बीजेपी चाहते है कि धर्म धर्म में लोगों की लड़ाई हो, आपस में लड़े। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते थे, वही रणनीति बीजेपी की है। और बीजेपी के विधायक हो, उनके नेता हो, इसी तरह की बातें करते आ रहे हैं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये जो दिखावे के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग जो हाथी के होते, वैसे ही ये परिस्थितियां इनकी है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ऐसे वक्तव्य का निषेध करती है और कांग्रेस भी करती है। और अब ये कितना भी खेल खेल ले, धर्म के नाम पर राजनीति कर ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र से इनको सत्ता से जाना अब तय हो चुका है और महाराष्ट्र की जनता ने ये मानस बना लिया। वो तो बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, तो इसलिए बीजेपी की मानसिकता क्या है वो स्पष्ट होती है। एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो पार्टी कर रही है वो बात है। तो बीजेपी की मानसिकता उसमें स्पष्ट होती है। हिंदू को भी समझ में आ गया और मुस्लिमों को भी समझ में आ गया, या बौद्धों को दलित को भी समझ में आ गया कि इस तरह की राजनीति से विभाजन कर इन लोगों ने जिस तरह से देश को तबाह और राज्य को तबाह किया है, अब जनता को समझ में आ गया। तो इस तरह के मुखौटे जो होते बीजेपी के, अब उनकी नहीं चलेगी।